देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हाँ ठीक है भाभी, हाँ कुछ पूछना हो तो हमको फोन कर देना। ठीक है भाभी ठीक। माँ कसम बता रहे हैं हम बोहरा आ गए, बिल्कुल बोहरा आ गए। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ करें भैया कहाँ करें। अरे हुआ ये कि एक दिन हम गए अपना रूटीन फॉलो करते हुए, जहाँ घरों में काम करने जाते हैं वहाँ गए। कविता भाभी के घर गए, विक्की भैया के घर गए, रचना दीदी के घर गए, हरडे के घर गए, अपना काम कर रहे थे। अब हमको कविता भाभी बोले कि तू मत आना कल से, विक्की भैया बोले कि तू मत आना कल से, रचना दीदी बोले कि तू मत आना कल से। हम बोले कहा हुआ भैया, हमने कहा गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया, सफाई ढंग से नहीं करी, हमको बता दो ऐसे नौकरी से निकाल लिए क्या जरूरत है। फिर तीनों बोल कि तू सुन अपने घर पे ही बैठी। हम बोले काहे क्यों आए हम। फिर बोले कि तू घर से बाहर मत निकली हो। हम कहे अब ये तो पर्सनल मैटर है हमारा, हम घर से बाहर निकले ना निकले वो आप काहे बता रहे हैं हमको। फिर बोले कि तू बस हमारे घर काम करने में आई हो और हम पगार तेरे को देते रहेंगे। अरे भैया ये हमारा दिमाग खराब, हम तो सोचे कि क्या हुआ, क्या करके बैठे हो तीनों, हमको पगार दोगे बिना काम करे। फिर हमको वो बताए कि कोरोना वायरस एक वायरस आ गया है आजकल, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे छूने से फैल रहा है, ऐसे चीज़ों से फैल रहा है, बाहर से आ रहा है। और बोले कि सबसे अच्छा अभी यही तरीका है कि अपने घर बैठ जाओ और घर से बाहर मत निकलो। बोले कुछ लॉकडाउन बोले कुछ हमको, ठीक है हम समझ गए कि चलो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ऐसा। फिर हम वो कहते जैसे हम आजकल, वो लोग भी आजकल ऐसे कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बोले ये वर्क फॉर होम्स करते करते हम वर्क फ्रॉम होम पे कहाँ से पहुँच गए, हम तो समझ नहीं पाए बिल्कुल। हम बोले कि अब हमको सुबह उठ के क्या करना है, घर पे रहना है अपने, दूसरों के घर नहीं जाना है, झाड़ू पोछा बर्तन करने नहीं जाना है, खाना बनाने नहीं जाना है। हम बोले चलो ठीक है, नया नया कुछ लग रहा है करके देख लेते हैं। पर सच्ची बताया हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, कुछ भैया दीदी हैं उनको ना खाना वाना बनाना नहीं आता है। अब झाड़ू पोछे के बिना तो इंसान तब भी रह ले कुछ दिन, पर खाने बिना कैसे रहेगा बताओ, है बुरा लग रहा है हमको थोड़ा सा। पर सच्ची बताए हमको 2 रुपए का बुरा नहीं लग रहा है। अरे अब इनको पता चलेगा कि खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। अगर हम इतना सा भी कुछ ऊंच नीच कर देते थे ना, अगर नमक कम हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, तो हमारा तो हाथ धो के पीछे पड़ रहते थे कि तुमको ये नहीं आता, तुम ढंग से नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो। अब पता चलेगा उनको खाना बनाना होता क्या है, कला है खाना बनाना कला। अब वो खुद करेंगे ना, जब देखते हैं कैसे कलाकार बनते हैं सारे। सच्ची बता रहे हैं एक दिन हम झाड़ू कर रहे थे, अरे झाड़ू करते करते कोने में इतनी सी मिट्टी रह गई। अरे अब इतनी सी मिट्टी रह गई तो रह गई ना, अब क्या करें। हमारा भी थोड़ा सा माइंड इधर उधर चलता रहता है, दिमाग हमारा इधर उधर लगा रहता है, एक नहीं 50 टेंशन है हमारी जिंदगी में भी। पर नहीं जी, हमारे बात तो कोई समझता ही नहीं है, आप लोग के बॉस तब भी समझ लेते हैं, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते वो उनको ब्रेक दे देता है। हम थोड़े ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हमको तो हमेशा बच्चे की तबीयत खराब करनी पड़ती है ना आने के लिए बताओ। अब छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है इतनी, हमको भी ब्रेक चाहिए होता है। हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है कि हम ऐसे चले जाए वेकेशन पे, कभी 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 नहीं जा पाते हैं हम वेकेशन पे। हमको बहुत दुख है, हमको बुरा लग रहा है, हमारे आसपास भी बहुत हम ऐसे कोरोना वायरस के केसेस सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभार दुख में खुशी ढूंढनी चाहिए कभी कभी, तो हमारे लिए इस टाइम पे खुशी है कि हम अब थोड़ा आराम से उठते हैं, अपने पति के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, सबके साथ थोड़ा मिल बांट के आजकल अच्छे से रह रहे हैं। फिर उठते हैं सुबह, काम करते हैं अपने घर का, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक घर का, वो है हमारा। और फिर उसके बाद टीवी देख रहे हैं आजकल, बता रहे हैं सच्ची बता रहे हैं, टीवी देखने का मौका मिल रहा है हमको। पहले का ही मिलता था टीवी देखने का मौका, पहले एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो आराम है इस लॉकडाउन की वजह से हमको। लेकिन सच्ची बताएं आपको, एक डर भी है हमारे अंदर। अगर देखो लॉकडाउन खत्म हो गया तो चलो ठीक है, सब बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे हो जाएगा। पर अगर लॉकडाउन नहीं खत्म हुआ तो पता चले कभी हमको रचना दीदी बोल दे फोन करके कि सुन अब तो तू इतने महीनों से नहीं आ रही है, अब तो ऐसा है तेरा पगार भी हम नहीं दे पाएंगे, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब क्या करेंगे इस आराम का, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो बस ये बात का थोड़ा सोच का हमको डर है। लेकिन देखिए हम थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सबकी फैमिली ऐसे नॉर्मल हो जाए, सब काम पे जाए अपने, ठीक है। मतलब ये कोरोना वायरस अब जल्दी जल्दी चला जाए, बहुत ज़्यादा उसने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है। ये देखो रचना दीदी हमेशा हमको कॉल करती रहती है, उनको कुछ नहीं आता है बनाना। हेलो, हाँ दीदी,
दीदी छाछ और लस्सी में फर्क बताया तो थे आपको। जी दीदी, दीदी देखो छाछ में का, अरे दीदी सुन तो लो। हाँ एक सेकंड रुको, हम जरा इनको समझा कर आते हैं छाछ और लस्सी में का का फर्क होता है। हाय गाइस, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड द होल टीम ऑफ लाइफ तक कि आप अगर ये लॉकडाउन बढ़ा और अगर लॉकडाउन की कंडीशन ऐसी ही रही और आपके जो हाउस होल्ड जो आपके हेल्पर्स हैं वो आपके घर पे नहीं आ पाए काम करने, सो प्लीज़ मतलब उनको उनकी सैलरीज और जब तक आप अफोर्ड कर सकते हैं तब तक देते रहिएगा, बिकॉज लेट्स नॉट मेक देम सफर गाइज, बिकॉज उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा तो है नहीं एंड उनके पास बस यही है अपना घर चलाने के लिए, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम राइट। सो उनके पास हमारी जितनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, सो लेट्स मेक श्योर कि वी हेल्प ईच अदर इन दिस टफ टाइम एंड टिल देन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियोज़ बनाने की और आपको एंटरटेन करने की एंड आई होप हम ये करते ही रहें। एंड अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो हमें प्लीज़ बताइए कॉमेंट सेक्शन पर, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं हम ईजिली कवर कर सकते हैं घर बैठे बैठे, सो प्लीज़ हमें बताइए। तब तक लाइक शेयर कॉमेंट टैग योर फ्रेंड्स, वो सब तो करते रहिए एंड कीप वॉचिंग लाइफ तक।